जिले के रेंगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिंदौद में बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करने का ऐलान किया है। सड़क ना होने की वजह से ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो ग्रामीणों का गाँव से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन्हीं मुश्किलों से परेशान ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क नहीं बनाए जाने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से हम बदहाल सड़क की समस्या को लेकर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन में ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसके बावजूद भी कहीं भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम ग्रामीणों ने सहमति बनाई है कि जब हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना ही है तो हम वोट क्यों करें। 2 वर्ष पूर्व रेंगांव विधानसभा के उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन दर्शन यात्रा में ग्राम पंचायत दिदौंद की 7 किलोमीटर की सड़क के निर्माण को लेकर घोषणा की थी, जिसके बाद भी आज तक किसी तरह का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं 2 साल से देख रहे हैं और माने 10 से 15 साल से देख रहे हैं, पर 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी आते हैं और क्लियर करके रोड चले गए कि कल से बनने लगेगी। आज 2 साल पूरा हो गया, कहीं एक टाली मुरम नहीं पड़ी। तहसीलदार साहब ने बताया कि सरपंचों द्वारा डलवाया गया, 10 साल 15 साल से कोई सरपंच इसमें नहीं डलवाया। जो पड़ी है थोड़ा बहुत तो अपने से चंदा जोड़ के गड्ढा वड्ढा बांटा गया कि किसी तरह से निकले यार। यहाँ तो सब वैसे चल रहा है, इसलिए मजबूरन आके अनशन में बैठना पड़ रहा है। भूख हड़ताल में 3-3 लोग बैठे हैं। अगर जो हमारा जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता कुछ, तो हम रोड जाम करेंगे, ओकर आंदोलन करेंगे, जो होगा वो सब करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। यहाँ पे आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्या मेन समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मेन समस्या हमारी रोड की, और रोड में हम पिछले बार भी दो बार धरना प्रदर्शन किए, जिस धरना प्रदर्शन को यहाँ मुख्यमंत्री तहसीलदार साहब के द्वारा बंद करवाया गया, आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। बाद में मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने तुरंत PWD वालों को बुला करके और आदेश दिया कि तुरंत नापिए, तुरंत काम लगाइए, और तुरंत हम जानते ना कितनी देर तुरंत उनका पूर। अरे यहाँ समस्या कि हमारा रोड बने, बस हम ये नहीं जानता है ना। आज यहीं तरह हुई तो हम सब में हट गया लड़का, तो यहीं पर हम रोड 30 तारीख हम यहाँ ही पड़ब, यहाँ ही रहब, चाहे मरी चाहे जी या शासन। सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या बोला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? बोला जा रहा था कि कहा था कि वो मने यहाँ RES मने यहाँ कीटा ब्रू मने यहाँ, अबे तहसीलदार क्या बताए, यहाँ नहीं बताए, कहीं नहीं है। ये अभी इन सबसे हमारी चर्चा हुई है, तो इनका कहना है कि ये 2 साल पहले से इसकी घोषणा हो चुकी थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ अपने प्रवास में किया था, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि इसमें मुरुम वगैरह उस समय कुछ डाली गई थी पंचायत की तरफ से। अभी आप लोगों की मांग है कि इसको पक्की सड़क बनाया जाए, चूँकि लगभग 3,000 से ऊपर के लोगों का आवागमन है इस पर। तो ये प्रधानमंत्री, अभी हमारी CO सुहावल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जनपद में रोड नहीं है, ये अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चली गई है। तो हमने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, कार्यवाही के लिए। अब आश्वासन हम कार्यवाही करवा रहे हैं, और जब तक वहाँ से बात महाप्रबंधक से हमारी नहीं हो पाती, मतलब कहाँ क्या तकनीकी अड़चन है, बजट का कोई समस्या है, सैंक्शन की कोई बात है या कुछ है, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। ये मुख्य मार्ग से आंगनबाड़ी तक जी जी किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर सर। 1 मिनट PWD वाले कहाँ भाई, तुरंत बुला लो। आपने मुख्य मार्ग नैना मोड़ से आंगनबाड़ी का भवन है वहाँ जी 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 6 किलोमीटर सड़क, 3 स्कूलें हैं वहाँ पे, 3 स्कूलें भी हैं और गांव भी वही है ना। हाँ, गांव भी है। आप वहाँ से आए हैं, चल रहे हैं, तो आप देख लीजिए रास्ता सही नहीं है। 1 मिनट में तो काम करने दो मुझे। ये 6 किलोमीटर सड़क मैं तत्काल स्वीकृत करता हूँ, ये पक्की सड़क